रामपाल सिंह, प्रधानाचार्य सरस्वती विद्यामंदिर ब्रजलोक बरेली। आज सुपंती साहित्य परिषद की ओर से बाल कवि सम्मेलन, बालकों में प्रतिभा का निखार हो, ऐसा एक कार्यक्रम दीपांकर गुप्त जी ने किया है अपने पिताजी की स्मृति में आयोजन। उसका बच्चों में हिंदी के प्रति प्रेम बढ़े, इसीलिए इस बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डॉक्टर श्यामपाल सिंह मौर्य, हिंदी विभागाध्यक्ष, बरेली कॉलेज बरेली। आज के संदर्भ में भाई डॉक्टर दीपांकर गुप्त ने अपने पिता की स्मृति में जो कार्यक्रम बच्चों के लिए किया है वो बाल कवि सम्मेलन है। तो बच्चे अपनी कविताएं प्रस्तुत कर रहे हैं और हिंदी के प्रति इस हमारे गुरुजनों की युक्ति से उनके अंदर प्रेम उत्पन्न होगा और आगे वे हिंदी के महत्व को समझेंगे, हिंदी की उच्च कोटि की कविताओं को लिखेंगे, पढ़ेंगे और प्रचार करेंगे। और इस संदर्भ में हिंदी दिवस की सबको बधाइयां हैं, सबको शुभकामनाएं और बच्चों को भी बहुत शुभकामनाएं हैं। सुरेश बाबू मिश्रा, साहित्य भूषण। आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में सुपंती साहित्य परिषद द्वारा यहाँ बाल कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है और इसका उद्देश्य बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव उत्पन्न करना है। वर्तमान समय में हिंदी विश्व पटल पर अपनी गरिमामयी उपस्थिति दर्ज करा रही है और विश्व के लगभग 80 करोड़ लोगों द्वारा हिंदी बोली जाती है। तो ये जन जन की भाषा है, हमारे राष्ट्र की आत्मा है, हमारे राष्ट्रीय मान सम्मान और स्वाभिमान की प्रतीक है, राष्ट्रीय अस्मिता की प्रतीक है। इसके प्रति बच्चों में श्रद्धा भाव जागृत हो, इस उद्देश्य से इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं और ये अगर हिंदी को बढ़ाएंगे और हिंदी के प्रति इनके मन में लगाव होगा तो आगे आने वाले एक दो दशक में हिंदी विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी। मैं डॉक्टर दीपंकर गुप्त, सुपंती साहित्य परिषद के माध्यम से जो आज कार्यक्रम हमने यहाँ पर बाल कवि सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का रखा है वो 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में विशेष रूप से समर्पित है और बच्चों के लिए स्कूल में कार्यक्रम रखने का मेरा उद्देश्य यह है, इस उद्देश्य को लेकर के कि इन बच्चों में हिंदी के प्रति लगाव जुड़ाव बने, क्योंकि हमारी संस्कृति जो हमारी भाषा है वो अंग्रेजी की तेज़ी में, हम कहते हैं कि अंग्रेजी की तेज़ी में हम इतने फूल गए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी माँ को भूल गए। बच्चे जो कॉन्वेंट स्कूलों में ऐसे पढ़ते हैं अपनी माता के लिए मम्मी कहते हैं और पिता के लिए डैड, तो ऐसी संस्कृति से बचाने के लिए हम विद्यालयों से जुड़ करके आयोजन करते रहते हैं। और ये सुपंती साहित्य परिषद संस्था मैंने सन 1990 में पिता की स्मृति में शुरू की, क्योंकि मेरे पिता एक कवि रहे और जनपद बदायूं के ग्राम घटपुरी से मैं, मेरा जैसे कि जन्म स्थल है और पिता एक अच्छे कवि रहे और तो वो मैंने जो परंपरा उनकी थी उस परंपरा का निर्वहन करते हुए 1991 में पहला पिता के लिए समर्पित मेरा गीत संग्रह आंसुओं के चित्र आया और तब से मैंने जो है इस कार्यक्रम को हर वर्ष 14 सितंबर को इसलिए मनाने का और भी जो है लक्ष्य रखा कि पिता की स्मृति को ताज़ा रखते हुए, क्योंकि उनका निधन 14 सितंबर हिंदी दिवस को हुआ और वो हिंदी के एक अच्छे कवि रहे, उनके लिए समर्पित आयोजन है। मैं बच्चों के लिए हिंदी साहित्य के लिए कुछ काम जो भी है अपने योग्यता क्षमता के अनुसार मैं करता रहता हूँ। 3 पत्रिकाओं का मैं संपादन करता हूँ, एक वैश्यदूत पत्रिका है, एक नया सूरज और एक मेरी बरेली।